हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है लेटेस्ट जॉब भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर UKPSC की समूह गौ की वैकेंसीज को लेकर। तो भर्तियों का जो कैलेंडर है वो यहाँ पर एक इसी सप्ताह यहाँ पर जारी हो जाएगा। तो 23 भर्तियों का जो कैलेंडर है उसका यहाँ पर जो अधिकार UKPSC को मिलने के बाद से इसी सप्ताह यहाँ पर जो इसका कैलेंडर यहाँ पर जारी हो जाएगा। और भर्तियों से पहले आयोग ने जो है सरकार के पास जो है आयोग जो आयोजन की जो रूपरेखा है उसको लेकर जो प्रस्ताव भेजा है, और जिसे जो है इसी सप्ताह यहाँ पर जो है अनुमति मिलने की उम्मीद है। तो इसी सप्ताह यहाँ पर सरकार से अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद आपका जो 23 भर्तियों का जो कैलेंडर है वो इसी सप्ताह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके लिए अध्यक्ष के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उन्होंने यहाँ पर सप्ताह भर में जो भर्तियों का जो कैलेंडर है जारी करने की घोषणा कर दी है। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में जो है उच्च शिक्षा में इसी माह से लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में इसी माह से यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू होनी है। तो राज्य विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत जो है तैयार किया पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत जो है पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। तो इसी माह से इसका लागू होना है। और कहा गया कि प्राथमिक स्तर के बाद जो है अब यहाँ पर इसी माह जो है 26 तारीख को यहाँ पर उच्च शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है ऐसा बताया गया है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उच्च शिक्षा में जो है नई शिक्षा नीति यहाँ पर शुरुआत करेंगे ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जुलाई 2022 मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने जो है उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है बाल वाटिका से यहाँ पर शुरू की थी, जिससे यहाँ उत्तराखंड देश का जो है पहला राज्य बना था। और इसमें यहाँ पर कहा जिसने यहाँ पर जो है अपने यहाँ जो है नई शिक्षा नीति सबसे पहले यहाँ पर लागू की थी। और अब यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विभाग है वहाँ पर लागू होनी है। और इसमें यहाँ पर शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यहाँ पर जो है मांगा गया है समय। तो यहाँ पर देखते हैं उनसे जो है यहाँ पर मांगा गया है। और विश्वविद्यालय 30% पाठ्यक्रम में यहाँ पर कर सकते हैं बदलाव। तो 30% पाठ्यक्रम में जो है चेंजेस विश्वविद्यालय में अब यहाँ पर होने की संभावना है। और वहीं बात करें यहाँ पर भर्तियाँ तबादलों को लेकर जो है लगातार चर्चा में बने रहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो यहाँ पर देखते हैं मंत्री कर गए 74 तबादले, मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। तो यहाँ पर 74 तबादले किए गए थे और मुख्यमंत्री ने इन तबादलों को रोक लगा दी गई है। और कहा गया कि स्पीकर रहते हुए यहाँ पर जो विधानसभा में की नियुक्तियों को लेकर जो है विवाद में आए जो है काबीना मंत्री यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल अब जो है सहकारी विभाग विकास विभाग में जो हुई 74 तबादलों को लेकर जो है चर्चा में आ गए हैं। और बताया गया कि यहाँ पर जो सहकारी विकास मंत्री अग्रवाल ने जो स्टडी टूर पर जो है जर्मनी जाने से पहले यहाँ पर ये तबादले किए गए थे और मुख्यमंत्री ने अब इन पर जो स्थगित कर दिए गए हैं। ये जो है कर्मचारी के जो तबादले हैं वो हटा दिए गए हैं। और तबादले जो है अगले आदेश तक स्थगित, तो अगले आदेश तक जो है तबादलों के जो है आदेश स्थगित कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री के बाद। और वहीं यहाँ पर भर्ती घपले के जो है 6 आरोपी भूमिगत, तो यहाँ पर 6 आरोपी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर बंद दरोगा भर्ती घपले में 3 आरोपी अब जो है भेजे जा चुके हैं जेल। तो बंद दरोगा में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली हो रखी है, 3 अभी तक जो है जेल पहुँच चुके हैं। और हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं सभी नामजद आरोपी। तो यहाँ पर हरिद्वार जनपद के हैं सभी बताए जा रहे हैं। बंद दरोगा धांधली में जो है केस में नामजद 6 आरोपी जो है भूमिगत हो गए हैं। तो 6 आरोपी भी फरार चले हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है SDM ने मजबूत जो है साक्ष्य जुटा लिए हैं। और इसकी जो है मौजूदगी का पता लगाने के लिए यहाँ पर तकनीकी समस्याओं की जो है मदद ली जा रही है ऐसा बताया गया है। 316 पदों की बंद दरोगा ऑनलाइन परीक्षा में हुई धांधली पर केस दर्ज किया गया था। और इस मामले में जो है दून थाने में जो है केस दर्ज होने के बाद से यहाँ पर जो है 2 आरोपी जो है नामजद जो है किए गए हैं। और इसमें जो है बताया गया सभी आरोपी हरिद्वार निवासी हैं, तो अब हरिद्वार निवासी बताए जा रहे हैं। और अब तक जो 6 फरार चले हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 2006 से लेके 2018 तक के अतिरिक्त वेतनमान की वसूली के आदेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक जूनियर शिक्षकों से यहाँ पर जो है की जाएगी रिकवरी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अफसरों के जो है गलत फैसलों की वजह से बेसिक और जूनियर स्तर के सैकड़ों शिक्षकों को जो है एक बार फिर संकट में आ गए हैं। और प्रमोशन और चयन वेतनमान के जरिए 4600 ग्रेड पे तक जो है पहुँचे शिक्षकों को दिए गए वेतनमान की जो है शिक्षा विभाग ने जो है अब गलत ठहरा दिया है। और इसमें अब इनकी जो है रिकवरी होनी है। 2000 से ज़्यादा शिक्षकों पर जो है यहाँ पर हो सकती है कार्रवाई और 50,000 से लेके 7 लाख रुपए तक जो है इनकी रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं इतने रुपये जो है इनकी से अब रिकवरी होनी है। और वहीं बात करें यहाँ पर RSS
प्रांतीय प्रचारक के नाम जो है सूची मामले में है जांच शुरू। तो यहाँ पर जांच शुरू हो चुकी है और जो RSS के जो प्रांतीय प्रचारक युद्धवीर यादव को लेकर जो है वायरल हो गई थी सूची, मामले में जो है पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी है और मामले में जो है STF तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है। और उधर जो है अब नौकरी की जो है सूची में शामिल लोगों की गोपनीय जांच की जो है चर्चा में है। तो इस पर जो है जांच शुरू हो चुकी है और सच क्या है झूठ क्या है वहाँ पर पता चल जाएगा। हरीश रावत ने जो है सोशल मीडिया से हटाई सूची। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी और यहाँ पर ठेके दिलाने के जो वायरल सूची हुई थी उस पर जो है पूर्व CM हरीश रावत ने फेसबुक पेज से हटा दिया गया है। हालांकि जो है उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट नहीं की है, लेकिन यहाँ पर बताया जाए कि अपनी बात पर जो है कायम रहने की बात यहाँ पर लिखी गई है यह हरीश रावत ने। और क्योंकि गलत तरीके से नियुक्तियाँ बताई जा रही है और उसमें जो यहाँ पर युद्धवीर नाम के जो व्यक्ति हैं उसके परिवार वाले बताए जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है इसकी लिस्ट वायरल हुई थी और इसमें अब जांच चली भी है और सच पता चल जाएगा क्या है करके। और वहीं बात करें अब हम प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में जो है अशासकीय शिक्षकों को मिले मौका। तो अगर बात करें अशासकीय स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती है सीधी भर्ती, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती होनी है 50%, तो उसमें जो है अशासकीय स्कूलों को यहाँ पर जो है मौका मिलने की बात कही गई है। और इसमें कहा गया कि उत्तराखंड में जो है माध्यमिक शिक्षा संघ ने राजकीय कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती में जो है अशासकीय स्कूलों को भी यहाँ पर मौका देने की मांग की। तो मौका देने की मांग की गई है क्योंकि 50% पद यहाँ पर सीधी भर्ती से भरे जाने हैं प्रवक्ताओं के। और वहीं बात करें अब श्रीनगर में जो है भर्ती घपले में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार को घेरा। तो यहाँ पर श्रीनगर में जो है भर्ती घपले में जो है बॉबी पवार ने जो कि बेरोजगार संघ है इनके अध्यक्ष ने यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है और CBI जांच को लेकर बात कही गई है। और उत्तरकाशी में भर्ती घपले के विरोध में धरना, तो उत्तरकाशी में भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर चला हुआ है और भ्रष्टाचार की लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे बॉबी पवार। तो यहाँ पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार को जो है अंतिम अंजाम तक जो है पहुँचाने वाले, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी बड़ी भर्ती घोटाले यहाँ पर आए दिन सामने आ रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अगले माह जो है आएंगे 7,000 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन। तो अगले माह जो है 7,000 पदों का विज्ञापन आपको यहाँ पर अक्टूबर माह में देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है रुद्रपुर में जो है रविवार को मुख्यमंत्री प्रसाद धामी ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को देखते हुए कहा कि अगले माह जो है 7,000 पदों का विज्ञापन यहाँ पर आ जाएंगे कहा गया। उसके बाद जो है यहाँ पर दिसंबर में जो है इन पदों की परीक्षा संपन्न कर ली जाएगी। तो दिसंबर में ही आपकी परीक्षाएँ कंप्लीट हो जाएगी। और कहा गया कि इन भर्तियों के बाद जो है जल्द ही राज्य में विभिन्न विभागों के रिक्त अन्य जो 12,000 पद हैं उन पदों की भर्ती निकाल दी जाएगी। इसके लिए जो है लोक सेवा आयोग के समय सारणी के साथ ही यहाँ पर जो कैलेंडर तैयार जो जारी है तय करने की बात कही गई है। तो 12,000 नए पद आएंगे उसके बाद 7,000 पदों के बाद से। तो अगले महीने 7,000 पदों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा CM धामी ने कहा है। और उसके बाद 12,000 पदों को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दिसंबर में जो है संपन्न कर ली जाएंगी सारी परीक्षाएं ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और भर्ती का जो कैलेंडर है वो इसी सप्ताह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐसा यहाँ पर CM धामी ने कहा है। और हर जिले में जो है जनप्रतिनिधि लेंगे क्षय रोगी को गोद ऐसा यहाँ पर CM धामी ने कहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर पद्मश्री मठपाल समेत जो है 25 विभूतियों को मिला उत्कृष्टता सम्मान। तो यहाँ पर अमर उजाला की ओर से यहाँ पर सम्मान दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर विदेश जाने से पहले जो है मंत्री के तबादलों की जो है रद्द कर दिए गए हैं CM ने। और वहीं बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर 455 पदों की भर्ती जो यहाँ पर लिखित परीक्षा की लगातार मांग चल रखी है। लिखित परीक्षा से यहाँ पर चयन हो इसके लिए यहाँ पर मांग चली हुई है। इसके लिए यहाँ पर जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए केवल इंटरव्यू के बजाय जो है लिखित परीक्षा का अनुरोध किया गया है। और इस संबंध में जो है उन्होंने पत्र राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार को भेजा है। तो यहाँ पर जो है पत्र भेज दिया गया है और इसमें जो है API जो स्कोर होता है आपका खत्म करने की बात कही है और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन कराने की बात कही गई है। तो 455 पद हैं जिनका यहाँ पर जो है हाल ही में जो है हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिए गए हैं और अब इस पर फिर से आपके नए आवेदन होने हैं और कुछ नए पोस्ट भी आपके ऐड हो सकते हैं इसमें। और लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो है वास्तुनिष्ठ एवं जो विवरणात्मक दोनों तरह का यहाँ प्रश्न होने चाहिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है और इंटरव्यू होना चाहिए इसमें इस तरह की बात कही गई है। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर। AAI पद पर जो है 156 पदों पर जूनियर और सीनियर असिस्टेंट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर 30 वर्ष एज रखी गई है और इसमें जो है
टेस्ट आपका हो जाएगा, होगा फिजिकल होगा, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। 30 सितंबर आवेदन कर सकते हैं, 1000 रुपये शुल्क रहेगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और CSIR यहाँ पर जो है पोस्ट निकाल के 87 पदों के लिए, इसके में आपका साक्षात्कार होना है, और इसके लिए साक्षात्कार 27, 28, 29, 30 सितंबर को होना है, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12 अक्टूबर को होना है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पर आपका रहेगा। और UPPCL में, UPPCL में जो है पर पोस्ट निकाली गई है 891 पदों के लिए, तो यहाँ पर उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी इन पर आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन पदों के लिए है विद्युत में, और इसके लिए 40 वर्ष तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और CBT के माध्यम से आपका लिखित परीक्षा होगी इसमें, और 1080 रुपया शुल्क रहेगा। 27 सितंबर 2022 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक जो है आवेदन कर सकते हैं, तो 19 अक्टूबर तक कर सकते हैं। साथ ही आप जो है इन पदों पर भी वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गुवाहाटी में है, और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसर्च सेंटर यहाँ पर भी पोस्ट निकाल के वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पर आवेदन कर सकते हैं।